साहब का कि जिन्होंने मुझे वक्त इनायत फरमाया और मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, मुझे वक्त पर पढ़ा दिया। अल्लाह आप सबको इस काजे अजीम अता फरमाए और दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से अल्लाह से फराज फरमाए। नाज़ पाक का ताज़ा नाज़ पाक के का मतलब पेश कर रहा हूँ चंद शेर। ये स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है कि अहले सुन्नत किस कदर मुहज्जब मुअद्दब मुत्तहिद और एक दूसरे के चाहने वाले हुआ करते हैं। अल्लाह ऐसा माहौल पूरी दुनिया में पैदा करे, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात का खात्मा करे, दिल से हसद जलन नफरत एक दूसरे की अदावत निकाल कर मोहब्बत रसूल पैदा फरमाए, मोहब्बत आले रसूल पैदा फरमाए। मैं पेश कर रहा हूँ सूरज भी पलक आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से सूरज भी पलक आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से सूरज भी पलक आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से सुनिए
Oh, my.
अगर ये नारा आराम से लग जाए तो मुझे जन्म में और मरना है। कोई जन्नत के रखो जो भी जाए सरकार की मर्जी से सरकार की मर्जी से। आप शेर बन जा रहा कि अगर आशिक हो तो दिल थाम के बैठ जाओ। देखे तो सुबह
उसकी वजह जा रहा है, उसकी दो बड़ी वजह है जिनमें वजह ये है कि अगर घर तो फिर जो मौलाना अली के जमाने में हुआ वो उस दौर में ही शुरू हो जाता था। हजरत से सीखे फिर इस्लाम में कैसे फैलाना शुरू करते हैं, कैसे इस्लाम फैलाना थे और दूसरा वो ये है मैं पढ़ रहा हूँ हर दिन ताला